students. How are you? Yes, today we are going to learn English and the topic is Let's Wait. Wait, wait, wait. See, this story is about a little girl who is the saddest person on the earth, who is feeling that she is the saddest person on the earth. So what happened when small children, when the things not go according to their wishes, they think that nobody loves them and they don't realize how much the people around them love them. And still they think opposite and they don't understand, and later on when they think calmly बैठ के चल आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन जब तक गुस्सा होता था आप ये सोचते हो कि हमारे से कोई प्यार नहीं करता, फिर जब गुस्सा उतर जाता है थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत प्यार करते सब लोग. सो दिस स्टोरी इज अबाउट ऑल दिस थिंग. ओके, सो दिस गर्ल इज सेइंग दैट दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम फीलिंग वेरी सैड. और अगर आप लोग यकीन नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे अर्थ पे सैडेस्ट पर्सन. तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी जो फैमिली है, मम्मी, डैडी, ग्रैनी, यंगर सिस्टर, कोई उससे प्यार नहीं करता है और वो सोफे के पीछे पूरा दिन से बैठी है. बट ये सिर्फ उसने बोला है. ओके, फिर सोचती नहीं 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 शायद मैं 8 घंटे से बैठी हूँ. फिर वो सोचे अरे नहीं शायद 1 घंटे से बैठी हूँ, वो शायद लास्ट 10 मिनट से बैठी हूँ. बट किसी ने नोटिस नहीं किया है. ओके, वो लोग को सबको घर उसका वो जो बोल रही है बच्ची कि सबको क्या है, छोटे बच्चे में छोटी सिस्टर है उसकी, उसमें इंटरेस्टेड है. जब वो रोती है तो सब लोग उसको, वो बगैर वजह का रोती है तो भी भागते हैं और जाकर उसको चेक करते हैं, उठाते हैं और देख गिव और वो जो भी उसको चाहिए वो उसको दे देते हैं, पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता. आई शुड रियली गो अवे. बोले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं भी कोई भी इंटरेस्टिंग जगह पर चले जाना चाहिए, कोई जंगल में चले जाना चाहिए और वहाँ पर जो माउंटेन्स और ट्रीज है वहाँ पर जाके खेलना चाहिए और जो वहाँ की जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए. फिर बोलती और शायद मुझे क्या करना चाहिए, कैमल के ऊपर राइड करना चाहिए डेजर्ट में जाके और रात में एक टेंट बना के सो जाना चाहिए, और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल. और इससे बेटर क्या होगा मुझे शायद फिर नॉर्थ पोल में जाना चाहिए और वहाँ पे इग्नू का जो घर होता है, इग्नू का मेड ऑफ आइस, उसमें जाना चाहिए और पोलार बियर के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ऐसा बोल रही है. देखो कैसे सोफे के पीछे गुस्से में बैठी है. सी द फोटो, व्हाट्स दैट, समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माय बैक. ओ इट्स बेबी. व्हाट आर यू डूइंग हियर यू सिली, गो अवे, डोंट स्माइल एट मी, व्हाई डू यू फॉलो मी, हो हो. Is there nobody in the house to look after you? अब वो बोलते हैं ये क्या मेरे पीछे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, देखती तो उसका छोटा बेबी आ जाता है. तो फिर उसको चिल्लाती है अरे तू यहाँ पे क्यों आया है, गो बैक, गो गो टू योर प्लेस, भगा दो, कोई और नहीं है क्या तुमको संभालने के लिए, तुम मेरे पास ही आओगे क्या, उसको ऐसे बोलती है. आप मत आओ यहाँ पर, यू मे बम्प इनटू समथिंग, कुछ ना कुछ आपको ऐसे सर पे लग जाएगा. आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग, और सब लोग फिर मुझे मिल के चिल्लाएंगे. Why do you have to do everything that I do? Copycat. बच्चे को क्या बोल रही है बेबी को कि जो मुझे करना होता है वही तुमको क्यों करना होता है, जहाँ मुझे जाना होता है वहीं पर तुमको आना होता है. Copycat. Oh, never mind really the people in this house. They should look after her better. I am a grown-up girl now. I can manage on my own. But what about this little baby? Come baby, let's crawl out from here. वो बोलती है अरे बाप रे, वो never mind, जाने दो, ये जो घर है, ये जो लोग हैं घर में, ये लोग आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, मैं तो क्या बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ, पर दिस पुअर बेबी कांट मैनेज ऑन आर ओन, सो चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं. तो उन लोगों सोफे के पीछे से बाहर आते हैं. व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल दैट टाइम एंड दे वॉन्ट इवन गेस व्हाट द मैटर इज विथ यू. तो उसको क्या बोलती है कि जब कभी भी मैं कहीं भी जाऊंगी ना तो मैं आपको लेके जाऊंगी, और नहीं तो तुम क्या करोगे, पूरा दिन रोते रहोगे और घर वालों को समझ में भी नहीं आएगा कि तुम रो क्यों रहे हो. आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल, लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर. तो उसको माउंटेन्स पे, नॉर्थ पोल और डेजर्ट पे जाना था ना, तो मुझे ठीक है मैं अब ऐसे नहीं जाऊँगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते ना, जब तक मैं नहीं जाऊँगी.
कैसा होता है ना बच्चों का गुस्सा, छोटा सा बीबी आया उसको स्माइल दिया तो उसका गुस्सा चला गया। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, गुस्सा आता है ठीक है, पर उसके बाद आपको समझना चाहिए कि आपको लोग कितना प्यार करते हैं। सी दिस इज़ द डिक्टेशन वर्ड, मम्मी पापा आप सबके लिए मैटर करते हो, अगर ऐसी कभी फीलिंग आती है तो वो रॉन्ग फीलिंग है। ओके, अपने आप को पॉजिटिव सोच के उसको इम्प्रूव करना चाहिए। डांटते तो सब लोग हैं, जो प्यार करता है वो डांट ही देता है। ओके, बाय बाय।